तो गाइस क्या आप भी अपनी जिम की प्लेट्स को कुछ इस तरीके से स्टोर करते हैं, एक के ऊपर एक रख देते हैं और बारबल्स को दीवार के थ्रू लेटा देते हैं? तो अब मैं आपको एक नया तरीका दिखाता हूं बम्पर प्लेट्स और बारबल को स्टोर करने का, जो कि है ये है लीवे फिटनेस की बम्पर ट्रॉली। इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेट रैक भी कह सकते हो और ये काफी कन्वीनियंट रहती है एज अ जिम स्टोरेज ऑप्शन। इसके अंदर आपको जो भी प्लेट चाहिए होगी पहले वो आप निकाल सकते हो बिना किसी कोई फैलावा किए हुए। तो अगर आपको ये बम्पर कार्ट ट्रॉली पसंद आई और आपको इसका पूरा रिव्यू देखना है तो चेक दिस वीडियो टिल दी एंड, लेट्स बिगिन द वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ फ्रॉम mansports.com और मैं आपका ऑनलाइन जिम इक्विपमेंट गाइड हूं और मैं आपको हेल्प करता हूं एक बेटर होम जिम क्रिएट करने में। तो आज जिस इक्विपमेंट का मैं रिव्यू लेकर आया हूं वो है लीवे फिटनेस की बम्पर प्लेट ट्रॉली। और इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी, बिकॉज आज से पहले मैं अपनी बम्पर प्लेट्स को कुछ इस तरीके से स्टोर किया करता था, एक के ऊपर एक रखा करता था। इसका नुकसान ये होता है कि मैं अगर कोई भी प्लेट का एक्सेस चाहता हूँ, जैसे कि 25 किलो का प्लेट का एक्सेस चाहता हूँ, तो मुझे ऊपर की सारी प्लेट्स हटानी पड़ेंगी और पूरी घर के अंदर वो बिखर जाएंगी और ज़्यादा स्पेस भी खाएंगी और वर्कआउट में मेरे को कंस्ट्रिक्ट करेंगी कि मैं ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता वर्कआउट करते समय। तो इसके अंदर क्या होता है कि मेरे को अगर 20 की प्लेट भी चाहिए फिर भी मेरे को सारी प्लेट्स हटानी पड़ेंगी। ऊपर की जो हल्की प्लेट्स हैं तो वो ऊपर ही रखी हुई हैं और ऊपर की प्लेट्स का एक्सेस मुझे आसानी से मिल जाता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट भारी प्लेट्स को अगर मेरे को लगाना है डायरेक्टली, जैसे मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ तो 5 किलो की प्लेट लगा के तो नहीं करूंगा ना, डायरेक्ट मैं 20 या 25 किलो की प्लेट लगाऊंगा, तो उस टाइम पे ऊपर की सारी प्लेट्स हटानी पड़ती हैं और फिर जगह भी काफी छोटी है तो काफी कंस्ट्रेंट फील करता हूं मैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे बारबल्स भी मेरे पास दो है, तो एक बारबल को तो मैंने प्लेट के अंदर ही डाला हुआ है, तो कोई भी प्लेट निकालने के लिए बारबल भी मेरे को साइड में रखना। दूसरा एक्स्ट्रा बारबल मैंने वॉल के अगेंस्ट रखा हुआ है, तो वॉल पे काफी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और साथ ही में आप देख रहे हो ये कभी भी फिसल के गिर सकता है, जो कि काफी डेंजरस रहता है, किसी को इंजर कर सकता है, मुझे भी इंजर कर सकता है। तो बारबल भी ऐसे ही रखे हुए थे आज से पहले। तो बम्पर प्लेट ट्रॉली इस वजह से मेरे को नीड फील हुई कि इसके अंदर मेरी बम्पर प्लेट्स भी आसानी से स्टोर हो जाएंगी और मेरे को कोई भी प्लेट का एक्सेस जब भी चाहिए होगा तब मेरे को मिल जाएगा। और उसके अंदर दो बारबल होल्डर्स भी आते हैं, तो बारबल भी वहां पे सिक्योरली मैं रख सकता हूँ और कभी भी एक्सेस ले सकता हूँ। तो आइए बम्पर प्लेट ट्रॉली को देखते हैं और उसके क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज नाउ द प्रोडक्ट इज ऑल रेडी टू यूज। इस बम्पर प्लेट ट्रॉली के ऊपर मैंने अपनी सारी बम्पर प्लेट्स रख दी हैं। मेरे पास 150 केजीज का लोड था विच स्टार्ट्स फ्रॉम 5 केजी प्लेट्स एंड गोज अप टू 25 केजीज ऑफ प्लेट। तो इसको रखने के बाद भी आप देख रहे होंगे कुछ कंपार्टमेंट्स में और भी जगह बच जाती है जहाँ पे मैं और बम्पर प्लेट्स रख सकता हूँ। और कंपनी का कहना है कि आप इसके ऊपर 180 केजीज तक का लोड रख सकते हो, बट दैट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितनी मोटी बम्पर प्लेट्स हैं। तो इस समय मेरे पास काफ़ी मोटी बम्पर प्लेट्स हैं, तो मिनिमम तो मैं इसके ऊपर 150 केजीज का लोड रख सकता हूँ, बट अगर आपके पास पतली पतली बम्पर प्लेट्स हैं तब आप इसके ऊपर और ज़्यादा लोड रख सकते हो। और अगर आपके पास आयरन प्लेट्स हैं जो कि पावर लिफ्टिंग में यूज़ की जाती हैं, तब तो आप इसको 1000 किलो तक भी लोड कर सकते हो, बिकॉज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेट रैक है तो जमीन से अपना पूरा सपोर्ट लेती है, वर्टिकल प्लेट ट्री की तरह नहीं है, बिकॉज वहां पे आपको वेट कैपेसिटी देखनी पड़ेगी तभी आप उतना लोड उसके ऊपर रख पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है बिकॉज यहाँ पे प्लेट्स को आपको उठाना नहीं पड़ता और जमीन पे रखी हुई है, तो आपको रोल करके लेके जानी है प्लेट्स और बारबल के अंदर डाल देनी है। वर्टिकल प्लेट ट्री में ये होता है कि आपको हाइट से उसे उठाना पड़ता है फिर जमीन पे रखना पड़ता है, तो आपका कुछ एफर्ट जाता है, तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे हैंडल दे रखा है जिससे आप इस कार्ड को पुल करके कहीं पे भी लेके जा सकते हो। और इस हाथ पे आप देखोगे तो दो बारबल होल्डर्स दे रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो मेरे पास एक स्पेशलिटी बारबल है और एक नॉर्मल ओलंपिक बारबल है, दोनों को मैंने इस पर स्टोर कर रखा है। और नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको दो व्हील्स भी मिल जाते हैं जो कि इसको मैन्यूवर करना काफ़ी ज़्यादा आसान बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लेट रैक। तो काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मेरे को लगी, स्टर्टी डिज़ाइन है, अनब्रेकेबल डिज़ाइन है, काफ़ी हैवी गेज ऑफ स्टील इसके अंदर यूज़ की गई है और इसका प्रोडक्ट वेट 13.5 किलो का है जो कि बहुत हैवी है।
और आप देखोगे कि इसके अंदर स्टील ट्यूब्स भी दे रखी हैं, काफ़ी मोटी मोटी दे रखी हैं दोनों एंड्स के अंदर। और यहाँ पे आपको 5 packs मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, और इस पैक के बीच में आपको 4 compartments मिल जाते हैं। तो 4 pair ऑफ प्लेट्स आप इनके बीच में रख सकते हैं। और पांचवी जो मेरे पास 5 kilo की प्लेट है वो मैंने साइड में स्टोर कर रखी थी, जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा। एंड में आपको सिलेंड्रिकल बेस मिल जाता है, और इसके सिलेंड्रिकल बेस के ऊपर आपको रबर कैप चढ़ी हुई मिल जाती है, जिसकी वजह से ये कहीं पर फिसलती नहीं है रैक। जब आप प्लेट को लोड करते हो या फिर अनलोड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और स्टेबल डिज़ाइन ये फील होता है। मैंने इसे इस समय अपने रबर मैट्स के ऊपर रखा हुआ है, तो ये वैसे भी नहीं फिसलने वाली। अगर आप इसको कॉन्क्रीट पे रखोगे तो ये रबर कैप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाता है जिससे आप इस रैक को पुल कर सकते हो, बट ये हैंडल रिमूवेबल है, ये वेल्डेड नहीं है। जब आपके पास ये रैक आएगी तब आपको इसे बोल्ट से कसना पड़ेगा। हैंडल का जो एंड है ये आपको प्लास्टिक का मिल जाता है, प्लास्टिक केसिंग इसके ऊपर चढ़ी हुई है, तो काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पे आपको बार्बल होल्डर्स भी जो मिल रहे हैं वो 7.5 inches के बार्बल होल्डर हैं, तो आपके जो बार्बल की स्लीव है वो 7.5 inch इसके अंदर जाएगी, तो बार्बल भी आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले या फिर गिरने नहीं वाले। और आपको सेम वही सिलेंड्रिकल बेस इस एंड के ऊपर भी मिल जाता है। एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि अगर आपकी बम्बर प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं, जैसे कि बेरी हैं, ये 96 mm की ये इसकी विथ है 25 kg प्लेट्स की, और ये जो आप देख रहे हो एक कंपार्टमेंट, ये 7 inches का ही है। तो मैंने एक प्लेट तो आसानी से इसके अंदर स्टोर कर रखी है 25 kg की, बट दूसरी 25 kg की प्लेट में सेम कंपार्टमेंट के अंदर नहीं डाल सकता, इस वजह से मैंने दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर ये 25 kg की प्लेट रखी है, और फिर मैंने साथ में 20 kilo की प्लेट यहाँ पर लगा दी है। तो अगर आपके पास ज़्यादा मोटी मोटी बम्बर प्लेट्स है तो आपको कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब आप सारे ही प्लेट्स एक ही बम्बर प्लेट रैक के अंदर स्टोर कर पाओगे अपनी। अगर आप इस प्लेट रैक की फिनिशिंग और अपीयरेंस के बारे में मुझसे पूछोगे तो ये ब्लैक पाउडर कोट के अंदर कोट करी हुई आपको पूरी रैक मिलेगी फ्रॉम टॉप टू एंड, और ये सेम कोटिंग है जो कि लीवर फिटनेस ने अपने हैक स्ट्रैप बार्बल के ऊपर भी की है, और सेम कोटिंग इन्होंने अपनी प्लेट रैक के ऊपर भी दी है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि मेटल का बनाया गया है और इसके ऊपर रस्ट बहुत जल्दी लगती है। तो अगर आप ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर रहते हैं या फिर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर अपने इक्विपमेंट्स को छोड़ देते हैं, आप ज़्यादा केयर नहीं करते, तो ब्लैक पाउडर कोट होने की वजह से इसके ऊपर कभी भी कोई भी रस्ट के साइंस देखने को नहीं मिलते। तो ये आपकी इक्विपमेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करती है। हाँ, ये थोड़ी जल्दी स्क्रैच होती है बट उतना चलता है। डाइमेंशंस के बारे में बात करें तो ये प्लेट रैक आपके जिम के अंदर थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेगी। अगर आप इससे पहले अपनी प्लेट्स को एक के ऊपर एक रख के स्टोर किया करते थे तो प्लेट का जो डायमीटर होता था सिर्फ आपको अपने जिम के अंदर उतनी ही स्पेस देनी पड़ती थी, बट इस केस के अंदर प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस हैं उतनी स्पेस आपको अपने जिम के अंदर देनी पड़ेगी, और उससे थोड़ी ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। और इसके जो प्रोडक्ट डायमेंशंस हैं वो 145 cm इसकी लेंथ है और 43 cm ये विथ के अंदर है, तो आपको इतनी स्पेस डेडिकेट करनी पड़ेगी अपने जिम के अंदर। बट इतनी स्पेस देना वर्थ इट है आपके जिम के अंदर, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल प्लेट रैक है, आपको प्लेट्स को उठाना नहीं है, सिर्फ रोल करते हुए लेके जाना है और रोल करते हुए वापस इसके अंदर लगा देना है, तो आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। बट आपके जिम के अंदर ये ज़रूर जगह लेती है, जो कि काफ़ी मीनिंगफुल भी है और आपको लिफ्टिंग के अंदर एक पेन फ्री एक्सपीरियंस देगी। तो गाइज, कैसे लगी आपको लीवे फिटनेस की हॉरिजॉन्टल प्लेट रैक? अगर आपको ये प्लेट रैक खरीदनी है तो इसकी बैंक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, और इसका जो प्रोडक्ट प्राइस है वो है 6,203 rupees। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबली प्राइस है। अगर आप इसके पीयर्स से भी इसको कंपेयर करेंगे ना तो उनकी प्राइस रेंज 4,000 rupees, 3,000 rupees ज़्यादा जाती है, और उसके अंदर ये बार्बल स्टोरेज का ऑप्शन भी नहीं आता, और जो कि बहुत एक्सक्लूसिव है और एक कॉम्बो ऑफर की तरह आपको मिलेगा। तो वहाँ पे सिर्फ आप प्लेट्स को स्टोर कर सकते हैं, बट इस बम्बर प्लेट रैक को खरीदते हुए आप बार्बल को भी स्टोर कर सकते हैं और प्लेट्स को भी अच्छी तरीके से एक एफिशिएंट मैनर के अंदर अपने जिम के अंदर रख सकते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा ऑफर है, वो भी कम प्राइसिंग के अंदर। तो अगर आप एक वेट लिफ्टर हैं या पावर लिफ्टर हैं और आपके पास बहुत अलग अलग तरीके की प्लेट्स हैं और बहुत सारे नंबर्स के अंदर प्लेट्स हैं, तब आई हाईली रिकमेंड कि आपको एक रैक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी प्लेट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रखना चाहिए, और अपने लिए भी लिफ्टिंग एक्सपीरियंस को आसान बनाना चाहिए, बिकॉज इन प्लेट्स को बार बार निकालना, रखना और हर जगह फैला देना आपके लोअर बैक के लिए बहुत ज़्यादा टैक्सिंग हो सकता है, आपके लोअर बैक में दर्द होगा और आपको इतना अच्छा नहीं लगने वाला, आप भी परेशान हो जाएंगे बार बार प्लेट्स को ढूंढते हुए उसे वापस रखते हुए। तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको एक रैक के ऊपर तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारी प्लेट्स हैं तो ये काफ़ी एफिशिएंट रहती हैं, टाइम सेविंग भी रहती हैं और एफर्ट भी आपका काफ़ी ज़्यादा सेव करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें नीचे लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।